सब्सक्राइब करें जी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी सेठी इसी टेस्टी फूड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली कॉर्न पिज्जा। यह बहुत ही आसान तरीके से या घर के ही सामान से तैयार हो जाएगा। ना ही इसके लिए ओवन चाहिए, ना ही पिज्जा बेस, ना ही ईस्ट, ना ही सॉस चाहिए। घर में ही आप इसे आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। यह मैं आटे से बनाना सिखाऊंगी, इसीलिए इस रेसिपी को पूरी देखिएगा। अगर आपको बनाते समय कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं चिली कॉर्न पिज्जा। चिली कॉर्न पिज्जा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे आटा। मैंने यहाँ एक कटोरी आटा लिया है, अमूल बटर लिया है, आधा कटोरी दही ली है मैंने, आधा कटोरी दूध लिया है, आधे से थोड़ा कम मैंने बेकिंग सोडा लिया है, डेढ़ छोटा खाने का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, स्वीट कॉर्न्स लिए हैं मैंने कुछ दाने, और मैंने येलो शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और रेड शिमला मिर्च ली है। आधा गिलास मैंने पानी लिया है, जितना लगेगा ले लेंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, दो चम्मच आटा मैंने सॉस वाइट सॉस बनाने के लिए लिया है, इसमें मैदा भी नहीं डालेंगे हम, ये बहुत ही हेल्दी होगा। रेड चिली सॉस ली है मैंने यहाँ पे, और टमाटो केचप ली है, ये बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। और मैंने नमक लिया है, काली मिर्च ली है, पिज्जा सीजनिंग ली है, ओरिगैनो ली है, रेड चिली फ्लेक्स ली है, दो छोटे चम्मच खाने के मैंने चीनी ली है, और दो से तीन चम्मच मैंने मेयोनीज ली है। शिमला मिर्च को मैंने काट लिया है, तीनों को ही किसी भी शेप में आप काट सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। और इसको मैंने तीन से चार बार गुनगुने पानी से धो लिया है अच्छे से। और अब मैं आटा गूंदूंगी। एक परात में मैंने आटा डाल लिया है एक कटोरी, हल्का सा होल बनाकर दो चम्मच मैंने चीनी डाल दी है, और डेढ़ खाने का छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है, आधे से आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है, चार बड़े चम्मच मैंने दही डाल दी है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, पानी की ज़रूरत पड़ी तो ही लेंगे, अगर दही से ही ये गूंद जाएगा तो फिर हम दही से ही गूंद लेंगे। और अब हमें अमूल बटर डालना है, दो छोटे चम्मच खाने के मैंने अमूल बटर लिया है, उसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा पिज्जा बेस बहुत ही अच्छा बनेगा और फ्लफी बनेगा, इसलिए इस तरीके से बनाइए और हेल्दी पिज्जा के मजे लीजिए, क्योंकि गेहूं के आटे से तैयार होगा और घर में ही बना होगा। तो हम इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो ही पानी डालेंगे, अभी इसको अच्छे से दही में ही गूंदते रहेंगे। देखिए हमारा आटा जुड़ गया है और हमारा पानी इसमें बहुत ही कम लगा है, इसलिए चम्मच से ही लें। देखिए मैंने आधा गिलास लिया था, बहुत ही कम लगा है, दही से ही ये इकट्ठा हो गया है। अब मैं इसमें खाने का छोटा चम्मच आधा रिफाइंड ऑयल का डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से एक बार फिर से फ्लफी करते हुए इकट्ठा कर इस तरीके से। और ये तो ना तो टाइट है ना ही ढीला है, एक मैंने सॉफ्ट सा डो लगा लिया है, और इसे अब डेढ़ से दो घंटे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारे पिज्जा बेस के लिए अच्छी से तैयार हो जाए। देखिए हमने अपने पिज्जा बेस के लिए जो आटा लगाया था उसको दो घंटे का रेस्ट ले दिया है, और ये देखिए ये डबल से थोड़ा ही कम है, लगभग डबल के करीब हो गया, और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल हाथों में नहीं चिपक रहा है। अगर आपका चिपक भी रहा है तो अपनी फीच की तीन फिंगर से हल्का सा रिफाइंड ऑयल लें, इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मसल दें और एक मिनट के लिए ढक दें, जब तक कि हम अपनी सॉस बना रहे हैं तब तक के लिए। और देखिए अब हम बना रहे हैं रेड सॉस। हमने टमाटो केचप के अंदर एक चम्मच रेड चिली सॉस डाल दी है, झटपट से ही ये पिज्जा बन जाएगा, कोई सॉस नहीं बनानी हमें, कोई बटर नहीं वो नहीं लाना है। और ये डाली इसके अंदर, एक चुटकी नमक डाला, एक चुटकी पिज्जा सीजनिंग, एक चुटकी रेड चिली फ्लेक्स, एक चुटकी ओरिगैनो डाला, और इसको मिक्स करा। ये हमारी रेड सॉस बन गई पिज्जा के लिए। अब हम वाइट सॉस की तैयारी करेंगे। गैस ऑन करेंगे, एक पैन रखेंगे उसके ऊपर,
उसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और एक खाने का चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसमें दो खाने के चम्मच आटा डाल देंगे, एक चम्मच दो चम्मच। और अब हम इसे, हमारा पैन गर्म हो गया है, गैस बंद ही कर देंगे। आटे का कच्चापन निकल जाए तब तक के लिए हम इसे अच्छे से सॉटी करेंगे। ये देखिए, एक से दो मिनट पे मंदी आंच में हमारा आटा अच्छे से बटर और रिफाइंड ऑयल में सॉटी हो चुका है, कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें आधी कटोरी दूध डाल देंगे, गैस को मंदी ही रखेंगे और इस तरह से अच्छे से आटे की टुकड़ियों को ऐसे करते हुए अच्छे से मिलाते जाएंगे। गैस कम में ही ये एक गाढ़ा सॉस बनता जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सॉस बनने लग गई है। अगर आपकी सॉस की गांठें ना निकले तो पैन को गैस पर से हटाकर गैस बंद कर आप इस तरीके से इसकी गांठें निकाल सकते हैं। आराम से हो जाएगा ये। इस तरीके से दबाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें अगर दूध कम लगे तो और डाल लीजिए और 3 से 4 चम्मच मेयोनीज डाल लीजिए। मेयोनीज डालने के बाद थोड़ा सा नमक या फिर स्वाद अनुसार, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी ओरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। अगर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग और रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप काली मिर्च और नमक डालेंगे, उससे भी बहुत ही स्वाद बनेगी। अब हमारी दोनों सॉसेज तैयार हैं, हम इन्हें अलग कटोरी में निकाल देंगे। हमारी दोनों सॉसेज तैयार हैं, अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और अपनी वेजिटेबल्स, कॉर्न्स और तीनों शिमला मिर्च अपने पास रख लेंगे और हमारा आटा हमारे पास रख लेंगे। काली मिर्च, नमक, रिफाइंड ऑयल, बटर और ओरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग को पास रख लेंगे। और अब हम एक पेड़ा लेंगे, छोटा बड़ा जिस भी साइज का आपको पिज़्ज़ा बनाना है उसी साइज का एक पेड़ा ले लें। इस तरीके से उसे करके, जिससे कि उसमें एक भी किनारा फटा ना हो, इस तरीके से उसे इकट्ठा कर लें और इस तरीके से उसको अपने चॉपिंग बोर्ड पे या फिर चकले पे रख लें। गैस को जलाकर कम कर दें, तवा रख लें। अब हम अपने पिज़्ज़ा बेस के पेड़े को सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे और उसको बेलन की सहायता से रोटी से मोटा बेल लेंगे, रोटी से थोड़ा मोटा। और जितना आपको बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है उस हिसाब से आप पेड़ा ले सकते हैं। और अब इसमें हम इसमें इस तरीके से फोक की सहायता से, जिससे कि हमारा भटूरे या रोटी की तरह फूल ना जाए, इस तरीके से हम इसमें फोक से कट लगा देंगे और अपने तवे को हम हल्का सा चिकना कर लेंगे। गैस हमारी अभी कम ही है, हमने बिल्कुल तेज नहीं करी और बहुत ही कम ऑयल से हमने तवे को चिकना कर दिया है और जो फोक से कट वाली साइड है वो हमने तवे पर डाल दी है। अब 1 से 1.5 मिनट बाद जब इसमें हल्की सी ब्राउनिश सी और थोड़े बुलबुले टाइप आने लग जाएंगे, पता चल जाएगा, ऐसे हम रोटी एक साइड से पलटते हैं तब 1 से 1.5 मिनट में हम मंदी आंच पर ही इसे पलटेंगे। देखिए 1 से 1.5 मिनट पे मंदी आंच पे हमारा फूलने लगा है पिज़्ज़ा बेस। और अब हम गैस को तेज कर देंगे या मीडियम कर देंगे और इसको हाथ से, चिमटे से, किसी भी तरीके से देखिए पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा तैयार हो रहा है और इसे अभी हम मंदी आंच करते हुए थोड़ा अच्छे से और पका लेंगे, जिससे कि आटे का टेक्सचर बिल्कुल ना आए। 1.5 मिनट बाद हम इसे फिर चेक करें, ये कितना फूल गया है। हमने रोटी से हल्का ही मोटा करा था और ये परांठे से भी ज़्यादा मोटा हो गया है। और अगर आपको इसको ज़्यादा सेकना है ज़्यादा सेक लें, कम सेकना है कम। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद में साइड से रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा बटर ऊपर भी लगाएंगे और थोड़ा साइडों में, बाकी एक्स्ट्रा हम बटर को उठा लेंगे। गैस हमारी अभी बंद ही है और अब हम, आपको ज़्यादा लगानी है सॉस रेड वाली तो ज़्यादा लगा ले, कम लगानी है तो कम लगा ले, मैं थोड़ी ज़्यादा ही लगा रही हूँ। इसके बाद गैस कम में ही, क्योंकि तवा हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है, अब हम वाइट सॉस अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से बनाइए और खाइए। मैंने पिज़्ज़ा की वीडियो भी बनाई हुई है,
एक और पिज़्ज़ा की वीडियो बनाई हुई है, ब्रेड पिज़्ज़ा की भी, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये पिज़्ज़ा सॉस भी उसमें मैंने सिखाई हुई है। अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स लगाएंगे, अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी डिज़ाइन बनाइए और आटे के हेल्दी पिज़्ज़ा के मज़े लीजिए। अगर आप शिमला मिर्च नहीं ला पाए हैं तो आप टमाटर के बीच में से सारे बीज निकाल कर वो भी डाल सकते हैं और प्याज डाल लें, टमाटर प्याज से भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरीके से बनाइए और खाइए। मैं इस तरीके से इसको सजा रही हूँ, कहीं पर ग्रीन शिमला मिर्च, कहीं पर रेड लगाते हुए। देखिए मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं, तीनों कलर की शिमला मिर्च लगा दी है और दोनों सॉसेज, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया है और बाज़ार से कोई सॉस नहीं आई है। इस तरीके से बनाइए और खाइए। और अब मैं थोड़ी सी वाइट सॉस और डाल रही हूँ। और अब मैं गैस को ऑन कर 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको ढक रही हूँ मीडियम आंच पर। डेढ़ से 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम इसके ढक्कन को उतार देंगे और इसे चेक करेंगे। अगर आप सब्जी वेजिटेबल्स को रोस्ट करना चाहते हैं तो आप रोस्ट भी कर सकते हैं पहले से ही। और ये देखिए जब तक ये हुआ है 1.5 से 2 मिनट में, तब तक मैंने रोटी की तरह 2 पिज़्ज़ा बेस और तैयार कर लिए हैं। इतनी 1 कटोरी आटे में हमारे 6 पिज़्ज़ा बन गए हैं और ना ही ये ज़्यादा बड़े हैं ना ही छोटे हैं, मीडियम साइज के पिज़्ज़ा हैं ये। ऐसे ही और पिज़्ज़ा बनाऊँगी मैं। अब इसको आराम से पोनी से या पलटे से उतारिए और इसमें सबसे पहले रेड चिली फ्लेक्स, कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, काली मिर्च, थोड़ा सा मैं नमक भी डाल रही हूँ, सॉसेज में भी नमक है इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ा डाला है, और मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ। और ये हेल्दी पिज़्ज़ा के आटे के हेल्दी पिज़्ज़ा के मज़े लीजिए। और अब मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। देखिए कितने झटपट से ही हमारा आटे का पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, घर के सामान से ही ऐसे ही सभी पिज़्ज़ा को तैयार कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने ये वाला पिज़्ज़ा बनाया, फिर मैंने ये अपनी पसंद के अनुसार वेजिटेबल्स लगाई है, और ये देखिए हमारा तीसरा भी पिज़्ज़ा एकदम से तैयार है। इस तरीके से बनाइए और खाइए। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए कितने झटपट से ही हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं, वो भी आटे की पिज़्ज़ा। बस टाइम बिल्कुल नहीं लगा है, बस 2 घंटे आटे को रेस्ट देने वाला ही टाइम है, इसलिए 2 घंटे पहले आटा गूंदिए। इस तरीके से झटपट से आप आटे के पिज़्ज़ा के मज़े लीजिए, खाइए, बनाइए और मुझे बताइए यह पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी पेज है, आप चाहें तो मेरे को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन तीनों के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।